आपको बताते हैं कि इन दिनों द मर्डर डेड शॉट द नेशन से आगामी दिनों में प्रदेश की राजनीति और ब्यूरोक्रेसी में भूचाल आ सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर इस किताब के कवर पेज का प्रमोशन करते ही पत्रकार और लेखक हेमंत शर्मा पर इस किताब के हिंदी वर्जन को लोकसभा चुनाव के पहले जारी न किए जाने को लेकर दबाव डाला जा रहा है। शहला मसूद की हत्या को लेकर भोपाल के युवा पत्रकार हेमंत शर्मा ने एक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक को लेकर राजनीतिक गलियारों में बवाल मच गया है। इस पूरे मामले को समझने के लिए हमने पत्रकार हेमंत शर्मा से बात की तो उन्होंने बताया कि 16 अगस्त 2011 को शहला मसूद आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद यह कहा गया कि इसमें किसी राजनेता का हाथ है। राजनेता से संबंध को लेकर तमाम कवायद वाली खबरें छपी। उसके बाद यह कहा जाने लगा कि यह मामला कुछ और है, लेकिन बाद में पुलिस ने शहला मसूद की हत्या करने वालों को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट का फैसला भी आ गया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पत्रकार हेमंत शर्मा ने किताब लिखने का फैसला किया। यह किताब उन्होंने काफी पहले लिखी थी, लेकिन इसका फाइनल चैप्टर कोर्ट के आदेश के बाद लिखा। शर्मा का कहना है कि इस मामले की सीबीआई जांच भी हुई। मैं शहला मसूद को अच्छी तरह से जानता था, इसलिए मैंने इस पूरे मामले को लेकर किताब लिखने का फैसला किया। अब यह किताब 15 अप्रैल को लॉन्च होगी। लगभग 236 पेज की किताब अभी अंग्रेजी में लिखी गई है, बाद में इसका हिंदी एडिशन भी लिखा जाएगा। इस किताब को लेकर राजनेता अलग अलग बात कर रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के इन वक्त पर इस किताब का आना कुछ नेताओं के लिए महंगा साबित हो सकता है। हेमंत शर्मा कहते हैं कि मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि यह बड़ा मामला था, इसलिए मैंने किताब लिखी। इसके अलावा मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।